हे लवली पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी बाय नेचर और मैं हूँ मूसू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को राइस वाटर से शैम्पू कैसे बना सकते हो वो दिखाऊंगी। दोस्तों, जितनी भी जापनीज, चाइनीज और कोरियन वुमेन होती है, उनकी स्किन की तरह उनकी हेयर भी बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी होती है, और इसका एक सीक्रेट है ये राइस वाटर। तो चलिए मैं आपको घर पर DIY राइस वाटर शैम्पू बनाना दिखाऊंगी, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को डबल कर देगा। तो बिना किसी बकबक के आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि मैं पहले ही बहुत कर चुकी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इस राइस वाटर शैम्पू को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी राइस वाटर, जो कि इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है। अब आप इस राइस वाटर को कैसे बनाओगे? इस राइस वाटर को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी चावल लेंगे, फिर उसे अच्छे से क्लीन करके उसके अंदर 1.5 से 2 कप पानी डाल देंगे। पानी डाल के उसे 4 से 5 घंटा या फिर ओवरनाइट रखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। 4 से 5 घंटा बाद आप देखोगे एक मिल्की क्लाउडी सा वाटर आपको मिल जाएगा, और ये आपका राइस वाटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर कर लेना। राइस वाटर के बाद आपको ज़रूरत होगी एलोवेरा जेल, हनी, विटामिन ए की कैप्सूल और शैम्पू की। सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना राइस वाटर। फिर नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। देन इसमें ऐड करोगे 1 चम्मच हनी, फिर एक विटामिन ई की कैप्सूल लेके उसकी ऑयल को इसमें डाल देना। फिर लास्ट में आप अपना रेगुलर नॉर्मल शैम्पू लेके उसकी 2 चम्मच जितना इसमें ऐड कर दोगे, ताकि अच्छा सा झाग आ जाए। फिर इन सब चीज़ों को चम्मच के हेल्प से मिक्स कर लें। चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए आप एक कोई सा भी खाली कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप इस शैम्पू को रखना चाहते हो। मैं मेरी निविया का बॉडी वॉश ख़त्म हो चुकी थी, उसको यूज कर रही हूँ। फिर इसमें आप इस मिक्सचर को लेके भर देना। फिर इस मिक्सचर को बॉटल के अंदर अच्छे से सेक कर लेना, ताकि सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमारा शैम्पू बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं बताती हूँ आप इसको यूज कैसे करोगे। नहाने की टाइम गीले बालों में इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट लेके बालों को अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मसाज करना, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। हफ्ते में 2 से 3 बार इस शैम्पू को यूज करना। इससे आपकी बालों की झड़ना रुक जाएगी, आपकी हेयर ग्रोथ डबल हो जाएगी, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएगी। ये आपकी बालों में एज ए कंडीशनर भी काम करेगा, यानी कि आपको 2-in-1 का फायदा भी मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारा वीडियो लाती रहूंगी। मेरी वीडियोज को लाइक करना ना भूले, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास की बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी कोई सा भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपको मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।